बच्चों, मैं तुम्हें थोड़ा सा आज ये बताऊंगा कि पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो फोकस रखना इधर। हम थोड़ा सा एंड्रोशियम को रेल में जानेंगे। ठीक है, एंड्रोशियम। देखो, एंड्रोशियम मेल पार्ट है। एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट। ठीक है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जेंडर होते हैं, मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर। मेल जेंडर प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, मेल जेंडर प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एंड्रोशियम मेल पार्ट है और ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। कैसे कैसे करेगा वो हम जानते हैं। ये फ्री फायर कौन है भाई, ऐसे नाम से हम एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, हाँ जी, मेल गैमेट के प्रोडक्शन में काम करेगा। अब आप बस ये समझिए कैसे कैसे करेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं आज आपको बताऊंगा कि मेल गैमेट प्रोड्यूस कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये है, हाँ जी, इधर में है ये मेल गैमेट और सॉरी एंड्रोशियम मैंने बनाया है। ठीक है, एंड्रोशियम मैंने इधर में बना दिया है। ठीक है, अगर मैं इस एंड्रोशियम को कट करूं, इस एंड्रोशियम को अगर मैं कट करूं यहां से, ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसका एक सेक्शनल कट लूं, इधर से अगर मैं इसको कट करूं, तो कट करने के बाद जो अंदर से मुझे दिखेगा स्ट्रक्चर वो कैसा होगा, तो देखिए, सुनिए ध्यान से। एंथर जब हम कट करते हैं तो ये ऐसा दिखता है। मीन्स मैंने बस ऐसे कट किया। अगर किसी ट्यूब को मैं कट करूं, ठीक है, और फिर इसको अगर मैं तुम्हें सामने से दिखाऊं तो आपको इस तरह से दिखेगी ट्यूब, दिखेगी नहीं दिखेगी, क्लियर है? इसी तरह से मैंने एंथर को कट किया है और फिर सामने से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए फिर इस तरह से दिखता है एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जान ले कि एंथर के अंदर हमें कुछ लेयर्स दिखाई देती हैं। मैं एक जगह पर ही बना करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद से अंदाजा लगा लेना। ठीक है, मतलब ये लेयर इस कंप्लीट में चलेगी, आगे भी चलेगी। ठीक है, ये लेयर आगे भी चलेगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, मैं एक में बना करके दिखा रहा हूँ और फिर आएंगी और लेयर्स। ये रेड वाली लेयर्स आएगी। अब इनके नाम क्या हैं? देखिए, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम
कुछ है, फिर इसके अंदर एक लेयर है इसका कुछ नाम है, फिर यहाँ पे ये दो लेयर्स आई हैं इनका कुछ नाम है, अभी बताऊंगा ठीक है। और फिर ये सबसे अंदर वाली लेयर है ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं वॉल्स ऑफ एंथर। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बस आप समझ लीजिए सबसे बाहर वाली लेयर का नाम होता है एपीडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर का क्या नाम है? एपीडर्मिस ठीक है। इसके अंदर की लेयर का नाम है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम ठीक है। फिर इसके अंदर आती है मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स ठीक है। और सबसे अंदर जो ये लेयर है इसका नाम है टैपेटम ठीक है बच्चों, ये है टैपेटम। अब सुनिए ध्यान से, इन सभी लेयर्स को, ये जितनी भी लेयर्स मैंने बताई हैं, इनको हम वॉल्स ऑफ एंथर बोलते हैं ठीक है। ये सभी लेयर्स क्या हैं? वॉल्स ऑफ एंथर। वॉल्स ऑफ ठीक है, एंथर की वॉल्स हैं। तो आपसे अगर कोई भी पूछे तो आप बता देना ये शायद नहीं है आपकी क्लास में, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए फिलहाल। फिलहाल सुने, ये बताना जरूरी क्यों था, टैपेटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, इसके बारे में बस थोड़ा सा जान लो आप, बाकी लेयर्स के बारे में तो आप फ्यूचर में पढ़ लोगे ठीक है। टैपेटम दो चीजें बनाता है, एक तो बनाता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है बताएंगे अभी ठीक है, स्पोरोपोलेनिन बनाता है। अच्छा सीमेंट जानते हो आप, सीमेंट क्या होता है? टीवी में एड देखते, यस सर। कौन सा सीमेंट सबसे मजबूत होता है जिससे दीवारें बनती हैं, कौन सा सीमेंट है? अल्ट्राटेक सर, अल्ट्राटेक। कई सारे बताते हैं सर बहुत सर, अल्ट्राटेक भी होता है और बांगर सीमेंट भी होता है, जेके अच्छा बांगर सीमेंट यस होता है, अल्ट्राटेक होता है, अंबुजा भी होता है ना। सर, अच्छा यस ठीक, फिलहाल सर, और जेके आप सुपर सीमेंट भी फिलहाल होता ठीक है है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा इस पॉइंट बनाता है, और ये एक चीज बनाता है ओबिस्क बॉडीज, एक ये चीज बनाता है ओबिस्क बॉडीज ठीक है। अच्छा एक और काम करता है, ये नरिशमेंट देने का काम करता है, ये नरिशमेंट देने का भी काम करता है ठीक है। अच्छा ये चीजें अभी दिमाग में रखना, किसको नरिशमेंट दे रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनाने जा रहा हूं, इसके अंदर एक टिश्यू होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, आप सभी को याद होगा ठीक है ना। टिश्यू क्या होता यस सर, है? टिश्यू के बारे में बस अभी थोड़ा सा इतना जान लीजिए, इज अ ग्रुप ऑफ सेल ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल, सेल के ग्रुप से बनता है सेल ठीक है। मतलब कि जो अंदर मैंने एक टिश्यू बनाया है, इसका नाम है, इसका नाम देख लीजिए क्या है, इसका नाम है इसका नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू, याद रखना इसका नाम है स्पोरो जीनस टिश्यू ठीक है। अच्छा ये चीज आपको याद रखनी है, स्पोरोजीनस टिश्यू ठीक है। अच्छा स्पोरोजीनस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होंगी, मैंने अगर इस टिश्यू को यहां बना दो ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं नहीं है ठीक है, बहुत सारी सेल्स इसके अंदर होंगी। गैमेट कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, माइटोसिस से या मियोसिस से? मियोसिस मियोसिस से गैमेट बनते, सही बात, क्लियर ना, मियोसिस से गैमेट बनते हैं, ये बात इस बच्चे ने एकदम सही बताई है। अब याद रखना इसकी हर एक सेल, इसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं ठीक है ना, एक सेल को मैं बाहर ले लेता हूँ बस प्रोसेस समझाने के लिए ठीक है। तो इसकी हर एक सेल जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा मतलब बड़ा होगा, ऐसे ऐसे इसकी सेल के अंदर
मियोसिस की प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी, और जिस स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल जो कि फ्यूचर में क्या करेगी, मियोसिस करेगी, जो कि फ्यूचर में मियोसिस करेगी। मियोसिस कितने स्टेप की प्रोसेस है, एक स्टेप या दो स्टेप? मियोसिस 2 स्टेप्स की प्रोसेस होती है, जिसमें आता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ये मैंने आपको स्कूल में बताया था, ठीक है। सर तो सर अच्छा, थैंक इसकी हर एक सेल को हम बोलेंगे पीएमसी। पीएमसी का मतलब है पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पीएमसी की जगह कुछ बुक्स में एमएमसी भी दे रखा है। यहाँ पे एमएमसी का मतलब है माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। एमएमसी की फुल फॉर्म याद रखोगे, पीएमसी फुल फॉर्म याद रख लोगे ना, यस सर। ठीक है। तो इसके बाद अब आगे सुनिए। अब देखो, मियोसिस मतलब कि मियोसिस कौन से सेल में होगा, डिप्लॉइड सेल में होगा। डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसमें जब मियोसिस यस होगा सर। तो 2 सेल्स बनेंगी, और मियोसिस 1 के रिजल्ट में जो 2 सेल बनती है वो हैप्लॉइड होती है, होती है नहीं होती, हैप्लॉइड। क्लियर है ना। यस सर। एक्चुअल में ये अलग यस अलग सर। नहीं होंगे, एक्चुअल में ये अलग अलग सेल नहीं बनेंगे, एक्चुअल में ना ऐसी एक स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह की, और बस बीच में एक क्लीवेज आ जाएगा और 2 सेल्स इस तरह से अलग अलग दिखेंगी। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डयार्ड। क्या बोलेंगे, डयार्ड, ठीक है। 2 सेल से बने हुए स्ट्रक्चर को डयार्ड यार बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सेल्स हैं वो कैसी हैप्लॉइड हैप्लॉइड रहेंगी, ये बात तो आपको पता है। ये सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड, और ये भी कैसी होगी, हैप्लॉइड, ठीक है। फिर होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 एक इक्वेशनल डिवीजन है, मैंने आपको स्कूल में पढ़ाया था। फिर एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें कि 4 सेल्स इस तरह से बन जाएंगी, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 सेल्स बन गई, ठीक है। और ये चारों सेल्स कैसे होंगी, हैप्लॉइड होंगी या डिप्लॉइड होंगी या n/2 होंगी, कैसी होंगी, हैप्लॉइड हैप्लॉइड कैसे होंगे, ये चारों के चारों सेल हैप्लॉइड। ले रहे बच्चों, हैप्लॉइड ये अच्छी बात है, आप लोगों हैप्लॉइड को अभी तक कॉन्सेप्ट याद है NIMS, यस ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको मैंने बोला डियार्ड, इसको हम बोलेंगे माइक्रो स्पोर टेट्राड, क्योंकि कितनी सेल है इसमें, 4 है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, पॉलन ग्रेन कैसे बनेंगे, इस प्रोसेस के बाद डिहाइड्रेशन होगा, इस प्रोसेस के बाद डिहाइड्रेशन होगा, मतलब पानी का लॉस होगा इसमें से, मतलब कि ये जो अभी चिपके हुए हैं इनमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा पानी इसमें से, और फिर ये चारों की चारों सेल्स अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से चारों सेल्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई, और इस तरह से क्या बन गए यहाँ पे, ये पॉलन ग्रेन्स बन गए। अब ये क्या बन गए हैं यहाँ नीचे, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स ठीक है। पता चला पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, यस सर क्लियर। पॉलन ग्रेन्स यस कहाँ सर बनते हैं, इधर बनते हैं, इधर। अच्छा, इस जगह को फिर हम बोलेंगे क्या, जहां पे पॉलन ग्रेन बनते हैं इस जगह को हम बोलेंगे, अच्छा 4 जगह पे बन रहे हैं ना, एंथर में 4 जगह बन रहे हैं ना पॉलन से, तो यस इनको हम सर बोलेंगे पॉलन से, क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पॉलन से, सेल सेक 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 मतलब खाली जगह, सेक बोला, ठीक है। अच्छा, कितने पोलन सैक होते हैं एक एंथर में, फोर 4 पोलन सैक होते हैं ना। अच्छा, एक बात और याद सर रखना, फोर हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, अगर मैं एंथर को इस जगह से 2 भागों में बांट दूं, तो आप खुद देखिए एंथर के 2 लोब बने हुए हैं, ये हो गया लोब 1 है ना, और ये हो गया लोब 2, टू
तो एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जो एंथर है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, हाँ एंथर कैसी स्ट्रक्चर होगा ये, बाइलोब स्ट्रक्चर, एंथर इज एन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ना। अच्छा हर लोब में देखो इसको पोलन सैक बोलते हैं, तो किसमें पोलंगेल बनते हैं, इसके लिए एक और टर्म भी है, इसको हम थीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं थीका, थीका थीका मतलब भी खाली जगह होता है, ठीक है थीका। तो थीका। एक लोब में कितने थीका हो गए, दो, दो थीका हो गए ना। यस सर। धन्यवाद। एंथर के हर एक लोब को हम डाइथीकस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइथीकस, डाइथीकस किसको बोलेंगे, एक लोब को बोलेंगे, समझ गए, एक लोब को डाइथीकस बोलेंगे, समझ गए। ऐसे ही दूसरा लोब भी क्या हो जाएगा, डाइथीकस हो जाएगा, समझ गए, डाई मीन्स टू। अच्छा टोटल एंथर को हम कितने थीकस बोलेंगे, डाइथीकस या टेट्राथीकस, एंथर की बात करो हम, सिर्फ एक लोब की बात है, टेट्राथीकस, ये बात, टेट्राथीकस, ओके। एक टोटल एंथर को हम क्या बोल देंगे, टेट्रा टेट्राथीकस, तो एंथर के लिए दो टर्म आ गई, मतलब एंथर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए दो टर्म आ गई है, एक तो आ गई टेट्राथीकस और एक कौन सी आ गई, बाई लोब, समझ गए, समझ गए ना। और हर थीका में एस्प्रोजेनस टिश्यू है, अब सोचो इस टिश्यू में तो बहुत सारी सेल्स होती होंगी है ना, और इसकी हर एक सेल से कितने पोलंगेल बनते हैं, फोर, फोर पोलंगेल, समझ गए ना, हर एक सेल से, तो बहुत ज्यादा नंबर में पोलंगेल बनते होंगे एंथर के अंदर, बनते होंगे नहीं बनते होंगे, तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है कि पोलंगेल्स कैसे कैसे बनते हैं। अच्छा इस पूरी प्रोसेस के लिए जो नाम है, यहां से लेकर यहां तक की प्रोसेस का जो नाम है, इसके लिए जो टर्म है वो इस तरह से है, इसको हम बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले, इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। बता दोगे आप माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। अच्छा सब कुछ सर में आ गया। अच्छा अब देखो स्पोरोपोरिन क्या करता है, उसके बॉडीज क्या करते हैं, ये काम मैं आज ही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल नरिशमेंट की बात कर लेते हैं, नरिशमेंट कैसे कैसे किसको देता है, तो ये नरिशमेंट देता है, ये जो सेल डिवीजन हो रहा है ना, इसमें एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी, इन सब प्रोसेस में क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, और इस एंथर, हाँ जी, इस एंथर को भी, इस सेल को अगर बड़ा भी होना है, मेच्योर भी होना है, तो इन सबको भी क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, क्या चाहिए इन सबको, नरिशमेंट, वो नरिशमेंट कौन देगा, नरिशमेंट, नरिशमेंट कौन सी लेयर देगी, कैपिटम देगी, समझ गए, कैपिटम, कैपिटम, यस सर, पर कैपिटम बता दो सर क्या होता है, क्या चीज, कैपिटम क्या होता है सर, एक और बार, कैपिटम देखो भाई, ये मैंने आपको अभी भी पढ़ाया कि ये क्या है, वॉल्स ऑफ एंथर है, वॉल्स ऑफ एंथर में कितनी लेयर्स आ रही है, चार लेयर्स आ रही है, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, उसके अंदर कौन सी है, एंडोथीसियम, फिर तीसरी लेयर कौन सी, मिडिल लेयर, और फिर सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी, कैपिटम, कैपिटम, ठीक है ना। पोलन सैक की लेयर को कैपिटम कहते हैं, हाँ पोलन सैक को जो लेयर कवर करती है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटम बोलेंगे, ठीक है, समझ गए, कैपिटम। दो संरचना बनाता है स्पोरोपोरिन और ओबिस्क बॉडीज, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल नरिशमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि नरिशमेंट किसको देता है, ये इस स्पोरोजेनस टिश्यू को नरिशमेंट देता है, ठीक है ना, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्लियर है ना भाई, ये जो प्रोसेस का सर में आ गया सभी के, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, चलो मैं इसके बाद आपको आगे पढ़ाता हूँ, यही इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको रेज कर दे, बाइलोब्ड टेट्राथीकस सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा
अब सुनिए, इसके बाद सुनिए बच्चों, म्यूट कर लीजिए खुद को। अब सुने इसके बाद, देखो ये जो लास्ट में पॉइंट बने हैं, ठीक है, ये जो लास्ट में मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट बनाते हुए दिखाए हैं, अभी इसके चारों तरफ लेयर्स और आनी है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ एक लेयर आएगी, ठीक है, इस पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक लेयर आएगी। जैसे आप कोई भी दीवार बनाते हो उसमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही इसके चारों तरफ जो हमें लेयर बनानी है उसके लिए एक मेटेरियल की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलिन, है ना, स्पोरोपोलिन की जरूरत पड़ेगी। और ये स्पोरोपोलिन कौन बना के दे रहा है? टेपटम, टेपटम, ठीक है ना। तो एक बहुत ही अच्छा मजबूत मटेरियल चाहिए हमें, और मैं आपको अगर बताऊं कि स्पोरोपोलिन क्या है, तो स्पोरोपोलिन हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मैटर है। क्या है? हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मैटर। अर्थ के ऊपर इससे ज्यादा हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मैटर और कोई नहीं है। किसी के दिमाग में डायमंड आ रहा है क्या? आ तो रहा है सर, पर डायमंड बायोलॉजिकल मैटर नहीं है, समझ गए? क्लियर है? तो इस लेयर, इसके चारों तरफ एक लेयर बनी है। अब पॉलीजेन की ना दो लेयर्स हो गई, सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे एग्जाइन, ठीक है, और इससे अंदर वाली जो लेयर थी इसको हम बोलेंगे एंटाइन। तो पॉलीजेन की दो लेयर्स हो गई, कौन कौन सी? एग्जाइन और एंटाइन, ठीक है ना। अच्छा, अब इस एग्जाइन को ऐसी शेप किसने दी? ये जो इस तरह की जो शेप है ये दी किसने इसको? इस तरह की शेप नहीं, देखो स्पोरोपोलिन से तो ये बना हुआ है, इसको ये शेप प्रोवाइड करी है। इसका ये इसका जो रीजन है वो है ओबिस्क बॉडीज। किसकी वजह से हुई इसकी ऐसी शेप? ओबिस्क बॉडीज, ठीक है ना। कौन देता है इसको ऐसी शेप? ओबिस्क। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इधर UBIS, ठीक है, ओबिस्क बॉडीज। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया सब कुछ? यस सर, ठीक है ना। ओबिस्क बॉडीज की वजह से इस स्पोरोपोलिन की एग्जाइन लेयर को ऐसी शेप मिलती है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो मेरे हिसाब से आप सब पूरा समझ चुके हो कि पॉलन ग्रेन कैसे कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं सब क्लियर कर दे रहा हूँ 3 सेकंड में, ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूं। अब सुनो, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो भाई, पॉलन ग्रेन के चारों तरफ स्पोरोपोलिन लेयर है। पॉलन ग्रेन के चारों तरफ कौन सी लेयर है? स्पोरोपोलिन की बनी हुई लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्या? एग्जाइन। एग्जाइन लेयर में स्पोरोपोलिन कुछ जगह पर एब्सेंट होता है, ठीक है ना। एग्जाइन लेयर में स्पोरोपोलिन कुछ जगह पर एब्सेंट होगा, जैसे कि एक दीवार में अगर कुछ जगह पर सीमेंट और ईंटें एब्सेंट है तो वहां पे क्या बन जाएगी? खाली जगह बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, एक गड्ढा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो उस गड्ढे को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे? जर्म पोर। पॉलन ग्रेन के केस में क्या बोलेंगे? जर्म पोर बोलेंगे। क्लियर है ना? मतलब जर्म पोर क्या है? जर्म पोर एग्जाइन लेयर पर मौजूद वो जगह है जहां पर स्पोरोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहां पर क्या एब्सेंट होगा? स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा, मतलब ना तो वहां पे ईंटे होंगी ना ही सीमेंट होगा, ठीक है ना, समझ गए? यस सर। ओके, तो यहां पे क्या एब्सेंट होगा? स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा। क्लियर है? अब देखो, yes, अंदर की बात करते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉलन ग्रेन का कुछ तो न्यूक्लियस होगा, और ये हैप्लॉइड होगा? नहीं होगा हैप्लॉइड, मैंने बताया था हैप्लॉइड क्यों होगा ये,
ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें माइटोसिस होता है, इसकी अंदर वाली सेल में क्या होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता था, अगर 2n है तो उससे कैसी सेल बनती थी, 2n ही बनती थी, मतलब तो डिप्लॉइड ही बनती थी, और अगर n है तो क्या बनेंगी, n बनेगी। अब ये सेल ऑलरेडी क्या है, हैप्लॉइड सेल है, तो माइक ऑफ कर लो, रजिस्ट्रेशन पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर ये हैप्लॉइड सेल कैसे है, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप भूल गए हो तो बताया था, म्यूसिस से बनी है ये सेल, इसलिए हैप्लॉइड है। Yes, sir. अब देखो ये एक हैप्लॉइड सेल है, जब इसमें माइटोसिस होगा तो इसके अंदर में ना दो सेल्स बन जाएंगी। दो सेल्स कैसे कैसे बनेंगे सुन लीजिए, ये तो हो गई अंदर वाली सेल, ठीक है, ये हो गई आपकी अंदर वाली सेल, और इसके बाहर बना देते हैं, बाहर ये कौन सी लेयर, रेड वाली जो मैंने बनाई है, ठीक है। अब बीच में ये डिवीजन हो गया इस सेल का, ठीक है, मतलब सेल डिवाइड कर गई है और दो सेल्स बन जाएंगी। अब वो दो सेल्स कौन कौन सी बनेंगी, देखिए बच्चों, एक सेल को मैं बोल रहा हूं और बोला भी जाता है इसको, ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, एक सेल को, ओह ये डिस्टर्ब कर रहा है, सुनिए, एक सेल को नाम दे दिया है वेजिटेटिव सेल और एक सेल को नाम दे दिया है जनरेटिव सेल, ठीक है ना। तो इसमें से ऊपर वाली सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और एक सेल को मैंने नाम दे दिया है जनरेटिव सेल, ठीक है ना, इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, जनरेटिव सेल नाम दे दिया है। जनरेटिव सेल ही वो सेल है जो फ्यूचर में जाकर के क्या बनाएगी, मेल गैमेट्स बनाएगी, ठीक है ना। तो ये ही वो सेल है, मैं आपको बता देता हूं, जनरेटिव सेल फ्यूचर में माइटोसिस की प्रोसेस से, इसमें भी क्या होगा, जनरेटिव सेल में फ्यूचर में माइटोसिस होगा और ये बनाएगी मेल गैमेट्स, क्या बना देगी, ये मेल गैमेट्स बना देगी, ठीक है। अब बनाती कब है ये मेल गैमेट्स, नॉर्मली मेल गैमेट्स ये बनाती है एट द टाइम ऑफ पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन क्या है वो हम जानेंगे, ठीक है ना, कब बनाएगी इसको आप याद रखना, एट द टाइम ऑफ पोलन जर्मिनेशन, ठीक है, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे तब जा करके ये मेल गैमेट बना देगी। और माइटोसिस भी इसके अंदर कब होगा, पोलन जर्मिनेशन के टाइम पर, पोलन जर्मिनेशन के टाइम, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब देखो पोलन जर्मिनेशन yes, होता sir. क्या है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर पोलन जर्मिनेशन क्या होता है, तो मैं समझा देता हूं, yes, साइड में समझा देता हूं पोलन जर्मिनेशन क्या होता है। देखो बच्चों, कल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था उसका, पोलिनेशन का, ठीक है, पोलिनेशन में मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन्स कहां पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते, नहीं पहुंच जाते, yes, है ना, ये पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और ये मान चलो यहाँ स्टिग्मा के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा, स्टिग्मा के ऊपर जब ये पहुंचते हैं तो जो जर्म पोर है, जर्म पोर के थ्रू अंदर वाली लेयर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और एक स्ट्रक्चर बाहर निकल करके आएगी, जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कब निकल के आएगी बाहर, जब पोलन ग्रेन कहां पहुंच जाएंगे,
जब ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे तब जाकर के पोलन ट्यूब बाहर आएगी, क्योंकि इसको स्टिग्मा से क्या मिलता है, थोड़ा सा खाना पीना नरिशमेंट वगैरह मिल जाता है। ठीक है, अच्छा और सुनो, तब इसके जो मेल गैमेट बने हैं, तब इसकी जो मतलब पोलन जर्मिनेशन क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ये मैंने क्या बताया यहाँ पे, पोलन जर्मिनेशन। आप इस चीज को याद कैसे रखोगे, बताता हूँ कैसे याद रखोगे। आपने कभी सीड जर्मिनेशन सुना है? सीड जर्मिनेशन, यस सर। सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड के अंदर से, सीड के अंदर से क्या बाहर आ जाता है, सीड के अंदर से बाहर नहीं आ जाता, उसका स्प्राउट्स खाए होंगे आपने, है ना, कुछ उसका एंकर बाहर निकल के आता है, नहीं है ना, ऐसे ही इस पोलन ग्रेन में से क्या बाहर निकल करके आया है, पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब बाहर निकल के आई है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पोलन जर्मिनेशन बोलेंगे, समझ गए। पोलन जर्मिनेशन के टाइम पे दो चीजें हमें देखने को मिल रही है, एक तो देखने को मिल रहा है जनरेटिव सेल में माइटोसिस, ठीक है, और क्या देखने को मिल रहा है, माइटोसिस हो गया मतलब मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, माइटोसिस की वजह से ही तो मेल गैमेट बने। अब पता चल गया मेल गैमेट कैसे कैसे बने पोलन ग्रेन से, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो इतना आप लोग आज डाइजेस्ट कर ले जितना मैंने पढ़ाया है, और बाकी बात कल करते हैं, ठीक है, ये लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है, समझ गए। और जो मैंने पीडीएफ भेजी आपके ग्रुप पे, वहां पे सेम इससे मिलता जुलता कुछ मिल जाएगा आपको, आप वहां से हेल्प ले सकते हो, ठीक है, मिलते हैं कल। एक मिनट, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, शायद 40 स्टूडेंट्स थे क्लास में, अब 35 रह गए हैं, मैंने देखा एक बार 40 स्टूडेंट्स थे, चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, क्लास में बने रहिएगा थोड़ी देर। ओके बच्चों, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है और मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूं।